मुझे लगता है ना कि जिंदगी कभी कभी आपको दो रास्ते दिखाती है, एक वो रास्ता जिसके लिए आपको बदलने के लिए कुछ जरूरत नहीं होती, ये होता है लंबा सफर। एक रास्ता वो होता है जो कठिन होता है, और ये सफर आपसे बहुत कुछ मांगता है, बिना थके बिना रुके जी तोड़ मेहनत। पर अगर आप इस सफर को चुन ले और ये भी आपको चुन ले तो सब कुछ बदल जाता है। मेरे लिए ये लंबा सफर शुरू हुआ दिसंबर 2016 में। कई गॉड गिफ्टेड होते हैं, योगेश गॉड गिफ्टेड है। पहले कंट्रोल, पावर और बैलेंस, इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके पूरा और एक डिस्कस थ्रो में पावर लगानी है एक एंगल पे। अगर थोड़ा सा भी एंगल डिसबैलेंस हो गया तो फाउल माना जाएगा। और आप समझिए, ये सब करना बिना लोअर बॉडी सपोर्ट के। 2021 पैरालंपिक में रजत पदक जीत चुके योगेश कथुनिया ने पेरिस में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 43.17 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ 2024 समर पैरालंपिक में भी अपनी जगह बना ली है। अब तैयारी है गोल्ड की। पैरालंपियन योगेश कथुनिया ऑफ हरियाणा बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन द डिस्कस थ्रो फॉर द F56 कैटेगरी इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन न्यू दिल्ली। The 26-year-old who developed a rare neurological condition called Guillain-Barré syndrome when he was only 9 years old clinched the yellow medal with an effort of 40.09 meters. बड़े बड़े खिलाड़ी, हमारे एक्सपर्ट्स सभी हैरान हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक है इस नौजवान के पास जो हर बार एक नया रिकॉर्ड तोड़ते हैं योगेश अपने गेम में। क्या है ये स्पेशल टेक्निक? जितनी भी अपनी ट्रेनिंग करता हूँ तो उसमें ये नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ बढ़ा ली, स्पीड कर लिया। हम सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा स्ट्रेच अच्छा होएगा बॉडी में उतना ज़्यादा बॉडी को डिस्कस को क्या चाहिए, कवर चाहिए। स्पीड वर्क का मतलब, जैसे कोई भी दो मसल मिलकर टॉर्क जनरेट करते हैं उससे स्पीड आती है, तो वो उनकी बहुत अच्छी है, वो टॉर्क अच्छा जनरेट करते हैं। और डिस्कस एक ऐसा गेम है जितना आप आउटर सरफेस से बाहर लाके थ्रो मारोगे अंदर जाके उतनी डिस्कस अच्छी जाती है। जैसे वो ट्विस्टिंग करते हैं, अगर आप परमिशन दें तो मैं करके दिखा सकता हूँ। जैसे हमने दी, ये कोर मसल है, कोर मसल और शोल्डर मसल मिलके टॉर्क जनरेट करेगी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा है, और इसमें जो इसके जो हाथ बहुत लंबे हैं जी। देखिए, ये हमारे हाथ में, समझिए, सपोज कीजिए डिस्कस है, ये हम ऐसे गए, ऐसे लिया, यहाँ फेस ले गए, ये खींचो और ये। June 14, 2006 की बात है ये, जब एकदम से ये अपने यहाँ बहादुरगढ़ में आया था घर पे, मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम, में खेल रहा था वहाँ पर पार्क में, भाई के एक साइड पैर में खेलते खेलते दर्द होने लग गया था, तो दर्द होने लग गया तो फिर वो गिर गया था। दादा ने फिर इसको उठाया, फिर ये गिर गया, फिर इसको दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये योगेश जिंदगी में नहीं चलेगा। उस टाइम तो खैर आज भी बात याद करके थोड़ा वो लगता है, उस टाइम तो लगता था कि ये बहुत बुरा हमारे साथ हुआ है। जीबी सिंड्रोम एक रेयरेस्ट वायरस होता है, गुलियन-बार सिंड्रोम। ये छोटे बच्चों के अंदर होता था, बड़ों में, बूढ़ों में, किसी में भी हो सकता है, और इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये नर्व्स रिलेटेड होता है सारा का सारा। इसका जो परसेंटेज है सक्सेस रेट बचने का वो 1% होता है, और 99% रिकवर नहीं हो पाते इसमें, जीबी सिंड्रोम में।
तो योगी को पता नहीं था कि मतलब व्हील चेयर किसके लिए यूज होती है, क्योंकि वो छोटा था। तब हमेशा मम्मी को कहता था, जब भी हम उस घर के सामने से जाते थे, डेली की उसकी एक बात थी कि मम्मी मुझे ये वाली रिक्शा चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। अब वो उसे सच में ही मिल गई थी। वो व्हील चेयर पे चलता था, जब मम्मी से रोकता था, बोलता था मम्मी कि मैं कभी नहीं चलूंगा। शाम को मैं मतलब मेरी बड़ी सिस्टर मुझे घुमाने ले जाती थी, बच्चों को मतलब देखता था मैं खेलते हुए। तो मैं अपनी दीदी से पूछता था कि मैं कब खेलूंगा, तो मेरी बहन बोलती थी हमेशा कल। दीदी मैं कब खेलूंगा? योगी आप कल जरूर खेलोगे। इतना बजट लेवल भी हमारा इतना नहीं था पापा की सैलरी में। मैंने अपने आप खुद ही सीखी योगेश को ले जाके। मैंने कि चलो भैया आप मेरे को सिखा दिया करो। फिर मम्मी रोज मॉर्निंग में इवनिंग में, उनका ये था कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक योगी की एक्सरसाइज करानी है। 11.5 साल का था मैं तब, खड़े होके मैं चलना शुरू करा धीरे धीरे करके। थोड़ा सा चला जैसे दीवार पकड़ के चला, गिरा। हमारे लिए वो टाइम ऐसा था कि जो बच्चा पहली बार चलता है। जो डॉक्टर थी उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, तो उसने बताया कि कई बार क्या होता है जीबी सिंड्रोम का जो केस होता है वो उसमें से 1% लोग होते हैं जो मतलब ठीक हो जाते हैं, तो वो मैं उस 1% में था। डॉक्टरों ने भी बोला था कि योगेश चल फिर तो पाएगा, 62% डिसेबिलिटी अभी भी है और इसके हाथ पैरों में अभी भी इतना वो नहीं है कि ये वजन उठा सके, अब इसे जिंदगी भर ऐसे ही जीना है। जब व्हीलचेयर छोड़ा था मैंने 2008 में, तो उस टाइम पे एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं अपने सारे काम वगैरह कर सकता हूँ, खेलूँगा कूदूँगा पढ़ाई करूँगा न्यू फ्रेंड्स वगैरह बनाऊँगा। फ्रेंड्स वगैरह इतने कुछ खास नहीं बने थे उस टाइम पे भी, तो मैंने अपने पढ़ाई को ही फ्रेंड बनाया था। धीरे धीरे मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और टाइम लगा, मतलब 4-5 साल लगे थे मुझे प्रॉपर ठीक से चलने में और सारा कुछ चीज़ें करने में। मेहनत मेरी देख रहे हो, मेहनत आज तक भी नाम लिखे हुए हैं। वैलेट नंबर क्या है? 4 है 4 तो 2015-16 की बातें, जिस टाइम पे हम डेली मिला करते थे, तो ये योगेश जो है नॉर्मली अपना कॉलेज क्लास ख़त्म हुई फिर सीधा घर। तो मैंने एक दिन बुलाया, मैं कहा भाई क्या मतलब कैसे ऐसे चलेगी क्या लाइफ? मैंने पूछा भाई पैरा स्पोर्ट्स पता है क्या? तो योगेश ने बोला कि नहीं मेरे को कुछ नहीं पता। फिर मैंने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स होता है स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ही वॉज शॉक्ड कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या। जब सचिन भैया ने मुझे बताया था पैरा एथलेटिक्स के बारे में, मैं उस टाइम पे बस सीए कर रहे थे, तो वही था कि यार जाके पढ़ेंगे अभी क्या इतना गेम के बारे में सोचना पड़ा। वही आपने सुना होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, खेलो कूदोगे बनोगे खराब। तो हम जब खेलने गए तो पहली बार में भाई के 3 मेडल, 3 गेम खेलते, एक बार में 3 गेम्स अलाउड होते हैं, तो तीनों गेम्स में मेडल था। तो भाई हम तो इसी चीज़ के लिए बने और आपको ये कंटिन्यू करना है। योगेश को मैंने देखा स्टेडियम में, यहीं पे बाहर वाले ट्रैक पे आता था, तो मैं इसे देखता था अकेला मेहनत करता रहता था, इसके साथ कोई नहीं, कोई कोच नहीं, मेहनती था। काफ़ी टाइम हो गया था कि एक परफेक्ट मतलब प्रोफेशनल कोच की ज़रूरत पड़े। फिर मैं एक दिन उसको बुलाया, मैं कहा तू अकेला, तेरे पास कोई कोच नहीं है क्या? मैं पबजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट खेलता था, बहुत ज़्यादा। सर ने फ़ोन करा मेरे को, मैंने उठाया, मैं हेलो सर, तो सर मेरे से बोलते कि कहाँ पर है? मैं बोला सर मैं तो घर पे हूँ और बताओ सर क्या काम है? तो सर ने बोला स्टेडियम आ जा। मेरे को बोलते रात को 2 बजे कि स्टेडियम में आ जा। मैं बोला सर कैसी बात कर रहे हो, 2 बजे कौन सी ट्रेनिंग होती है?
बोलते हैं यार देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं मारना क्या। रात को 2 बजे मैं इसलिए आता था क्योंकि कोच का ये काम नहीं होता कि बस ट्रेनिंग कराए चले, उसको उसके ऊपर फोकस करना है कि मेरा खिलाड़ी कहीं क्लब तो नहीं जा रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम दे रहे हैं, टॉर्चर दे रहे हैं, आ जाओ 1 बजे। एक भूख आपके अंदर आपको कराना है तो आपके अंदर एक भूख, पहले तो कोच के अंदर भूख चाहिए ना। मेरा एक सपना था कि मैं इंडिया के लिए मेडल जिताऊं, बस एक सबसे बड़ा सपना था मेरा। जो टीम थी उनको यही बोलता था, टीम में एक ही गुंडा है वो मैं हूँ। जो सबसे डिफिकल्ट था और उनको प्रूव करने के लिए मैंने वो चीज़ें करी, उनने मेरा पेशेंस चेक करा कि हाँ भाई जाता है कि नहीं जाता छोड़ के। मैं समर्थ भाई हुंडई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस सफर में उन्होंने मेरे को चुना, थैंक यू। तो ऐसे ही इनिशिएटिव जैसे समर्थ भाई हुंडई, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे यंग पैरा एथलीट्स को, और इसका मैं खुद भी एक एथलीट हूँ तो मुझे भी काफ़ी सारा सपोर्ट्स वगैरह मिलेगा, जैसे फॉरेन एक्सपोजर, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कोच, डाइट, तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आगे ग्रो होने में और मेरे पेरिस पैरालंपिक्स के टारगेट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। योगेश कथुनिया फ्रॉम इंडिया इज सेट टू मेक हिज फर्स्ट थ्रो एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 इन दुबई। तो जब गया वहाँ पर ब्लैंक था, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, सारे मेरे दोस्त वगैरह चीयर कर रहे थे, कोचेस वगैरह इंडिया से सब लोग, ऐसा नहीं कोई भी नहीं खड़ा, सब पीछे से चीयर कर रहे थे, नवल सर भी पीछे खड़े हुए थे। मैंने फर्स्ट थ्रो करी, मैं खुश, मैं यार 47 प्लस मीटर चलेगी, अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब क्या जरूरत है इनकी, मैं बेल्ट खोल के उतर जाऊंगा। मैंने पीछे देखा, रेड फ्लैग उठ गया। He is already down to 2 fouls. This third attempt will be very crucial for him today. What? It's a foul. मैं पीछे जाके उसको बोला जाके थोड़ा सा गुस्से में कि तू कर क्या रहा है, ठीक है खाली हाथ से थ्रो मार दे। उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से इतनी जान आ गई, मैं पीछे भी नहीं गया, मैंने हाथ से ऐसे करके थ्रो मार दी और वो 42.90 मीटर थ्रो लग गई। मैं इतना भागा तो उसकी लास्ट थ्रो रह गई थी, लास्ट थ्रो में फिर उसने सिर्फ हाथ हाथ से मारी 43 के करीब, 42 प्लस, तो इसका वहाँ ब्रॉन्ज मेडल आ गया। आज रात 12 बजे से देश के हर राज्य को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। तो मेरी भी भूख खत्म नहीं हुई थी, मैंने अपनी टोक्यो पैरालंपिक्स की तैयारी स्टार्ट करी। 1 महीना बचा हुआ था योगेश का और नेहरू स्टेडियम भी खाली कराया गया था। उसके बाद योगेश भालगढ़ में खेतों में प्रैक्टिस करी, इनके फादर को कोरोना हो गया था सेकंड लेयर में, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया नहीं था टोक्यो की वजह से। कोरोना भी ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनके पास 3 दिन है और आप किसी को भी बुला लो, सब इनसे मिल जाएंगे। मुझे तो बहुत बाद में पता चला जब वो ठीक हो गए थे, मुझे पता ही नहीं था कि उनको कोविड हुआ था। मेरे फादर के दोनों लंग्स खराब हो गए थे और 1% ही था जो बचा हुआ था। वो एक डर था का माहौल था और वो उस टाइम पे इसकी पीक में बॉडी थी ही नहीं, ना आ पाई थी। वहाँ पे भी डर था कि वहाँ पे हो गया तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। After a long and drawn wait of 1 year, the 2020 Summer Paralympics are set to begin on August 24, 2021 in Tokyo, Japan. Only 1 month left to the most awaited event in the para athletics world. August 2021 की बात, बहुत ज़्यादा excited था, सोचा था खाऊंगा पीऊंगा और जल्दी सो जाऊंगा और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। पूरा प्रॉपर प्लान, मैं 8 बजे अपना वर्कआउट ख़त्म करके रात को सोने गया, मैं देखा मैं करेक्ट 10 बजे तक सोया था। फिर मैंने 11 बजे मेरी आँख खुल गई थी, मैं बार बार करवटें बदल रहा था,
कि मैं क्या करूं यार, नींद कैसे नहीं आ रही। आंखें बिल्कुल एकदम एक्टिव, बिल्कुल आंख खुली हुई कि अभी हाथ में डिस्कस दे दो, अभी मैं थ्रो मार दूंगा जाके। रात को इसने 2 बजे हमारे पास फोन किया, मम्मी के पास में फोन किया, अभी मैं अभी वहां पर जा रहा हूं। करी मम्मी मैं जा रहा हूं ग्राउंड में, मैंने कि जा मैदान में दिल खोल के उतरना और डरना मत घबराना मत। Yogesh Kathunia from India saves his best for the final throw, wins silver medal for his country with a spectacular performance of 44.38 meters. फिर जब मैं इंडिया आया था, शायद से 3rd या 4th September को आया था मैं इंडिया, मैं देख रहा हूँ कि कैबिन के बाहर ही लाइन से साई वाले खड़े थे और PCI वगैरह वाले खड़े थे और तालियां बज रही थी। बस उसी टाइम मैं बोला यार मज़ा आ गया। एक बच्चा 6 साल का और इतना दौड़ने वाला भागने वाला और एकदम बैठ जाए, बैठे बैठे ही यूँ देखे कि बच्चे खेल रहे हैं। बस मैं इसको एक ही बात बोलती थी कि कभी आप भी खेल लोगे। और उस दिन शायद जन्माष्टमी थी जिस दिन उसका टोक्यो का पैरालंपिक था, मैंने कहा आज हमारी जन्माष्टमी अच्छी मिलेगी। मैं टीवी में देख रहा था, वो मीडिया वालों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए मेरे को, सारे शुरू से लेके कोई कहानी में फ़ोन बंद करके बैठ गए। मेरे दूसरे भाई का मेडल आया भाई, फिर ही वॉज लाइक कि मैं टीवी में दिख रहा हूँ क्या? मैंने कहा हाँ भाई मैं देख सकता हूँ टीवी में। तो उस दिन मैंने बोल दिया था मैंने कि देख आज तू भी खेल गया। उस दिन बहुत मतलब सारा परिवार भावुक हो गया था हमारा। तो 2023 की बात है, जब मुझे ना चिकन पॉक्स हुआ था तो मैं बेड रेस्ट पे था, 1.5 महीना हो गया था। तो मैं ट्रेनिंग करने गया, फर्स्ट डे पे ज्वाइन करा, तो उसके बाद धीरे धीरे लोड लेना शुरू करा बॉडी में, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप था और एशियन गेम था, बॉडी में लोड करना था। तो मेरे को पेन आया नेक में, मुझे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी निकला। इंजरी का क्या है, स्पोर्ट्स है तो इंजरी भी है, आपके साथ चलती है वो। इंडिया ब्रिंग्स होम इट्स बेस्ट टैली ऑफ 111 मेडल्स at the Asian Para Games 2022. Leading the boards is Yogesh Kathunia with a spectacular 42.13 meters. इसने मतलब काफी इसको कष्ट भी हुआ, मतलब अंदर से दुख भी मानने लगा योगेश कि मेरा गोल्ड नहीं आया। लगता तो ऐसा था कि उसको फिर दर्द हो गया है। तो उसी चीज में हम चले जाते हैं कहीं कुछ मतलब फिर दोबारा ना हो जाए। मैंने अपने बैक टू बैक 3 चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स पेन में खेले, और मुझे पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे, लेकिन फिर भी मैंने पेन में खेले। फिर एशियन गेम के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने फिर इसका रिहैब करवाया प्रॉपर। पहले करते थे हम लोड एक्सरसाइज, अब करते थे हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। हमने सिर्फ 1 महीना स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करी, हर एक छोटे छोटे मसल को डेवलप किया, फिर 1 मंथ में बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया। अब मैंने अपनी अगली जिद पकड़ ली है, 50 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। जब भी कोई खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोचता है तो सारी गेम ही चेंज हो जाती है, उसमें सबका लेवल अप हो जाता है कि 50 मीटर ओह इतने ज़्यादा थ्रो। कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए, कोई मुश्किल नहीं है। वो आज से मार रहा है 46, 47, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल हो गए, 50+ तो मारेगा सर। और ओलंपिक में मैं चाहता हूँ। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने फील्ड में और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। पूरे देश को एक पहचान मिलती है, मिसाल मिलती है। योगेश के इस कैरियर में उसके कोच, उसके दोस्त और जो भी उसके चाहने वाले, जिसने भी उसकी एक दिन मदद करी होगी, इस लाइफ में हर एक इंसान की जीत होगी। ये रिकॉर्ड एक उम्मीद है।
उम्मीद हर उस बच्चे के लिए जिससे ये बीमारी हो जाए। उम्मीद सिर्फ ठीक होने की नहीं, सपने देखने की उम्मीद है। एक ही चीज़ बोलता था कि मम्मी एक दिन देखना, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा कि योगेश कथुनिया को कोई जानेगी। मैं तो सोचती थी कि ऐसे ही करता रहता है, जो इसने बोला वो ही करके दिखाया। मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो नामुमकिन सी लगती है। कभी कभी तो खुद भी लगता है कि मैं कहानी सुन रहा हूँ, अब आगे ये कहानी ट्रैक पर लिखेंगे। हंडे द्वारा समर्थ एक पहल है जिसका उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना, धारणाओं को बदलना और दिव्यांग लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। समर्थ एक सरल शब्द है जिसका अर्थ है सक्षम। ये भारत में दिव्यांग लोगों के प्रति अधिक जागरूक और समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक कदम है। हंडे द्वारा समर्थ दुनिया को सभी के लिए समान अवसर में बदलने के बारे में है, क्योंकि जैसा कि योगेश ने साबित किया है, हम में से कुछ लोगों को जिन दिव्यांगताओं के साथ रहना पड़ता है, उनसे ये परिभाषित नहीं होना चाहिए कि हम कैसे जीते हैं या हम क्या हासिल कर सकते हैं या क्या नहीं हासिल कर सकते हैं।